क्या हुआ जानवी? दीदी डॉक्टर ने कहा है एंटीबायोटिक वाली दवाई 5 दिन लेनी है और मैंने सिर्फ 3 दिन ली है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि 5 दिन लेनी है तो 5 दिन लेनी है। लेकिन क्यों? नहीं तो तुम्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। हाँ ये क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे ग्राउंड में, पानी में, हर सरफेस पर, इवन हमारे स्किन और बॉडी के अंदर भी। यू आर सरप्राइज्ड टू नो दैट आवर बॉडी हैज 10 टाइम्स मोर बैक्टीरियल सेल्स इनसाइड अस देन आवर ओन ह्यूमन सेल्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोबायोम भी कहते हैं। अरे अरे डरने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया आर हार्मलेस, यानी ये हमारे फ्रेंड होते हैं और डाइजेशन और इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करते हैं। पर कई बार कुछ बैड बैक्टीरिया हमें बीमार कर देते हैं, पर इसमें टेंशन की बात नहीं है। वी हैव वंडर मेडिसिंस, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। दे कैन फाइट एंड किल दीज बैड बैक्टीरिया एंड सेव अस फ्रॉम डेडली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। पर समय के साथ जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ होने लगा, ये बैड बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। कुछ तो इवन सुपर बग्स भी बन जाते हैं जिन पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। फिर ये अपनी पॉपुलेशन ना केवल रिप्रोडक्शन से बढ़ाते हैं बल्कि दे कैन पास देयर रेजिस्टेंट डीएनए बाय अदर प्रोसेसेस लाइक कॉन्जुगेशन। Hello everyone, welcome to Medical Bulletin. Today our child specialist Dr. Dinesh Goyal will answer our all the questions regarding antibiotic resistance in kids. Hello Dr. Dinesh, thank you for joining us. Thank you for inviting me for this wonderful topic. Antibiotic resistance is when the antibiotic is not giving results in some diseases. So antibiotic resistance is basically failure of antibiotics. So why it is happening? Because if we are not giving proper antibiotics as per the indications, or if we don't have the blood culture or culture of the fluids reports, and we are using irrationals of use of antibiotics, in that cases the antibiotic resistance happened. The main causes for antibiotic resistance is the repeated use of the same antibiotics and without indication the using of the antibiotics, without any knowing the culture reports if we are using the antibiotics. So the irrational use of antibiotic causes the main resistance in the antibiotic category. So that is why we are always sending the cultures of the fluids of the patients. And then as per the culture reports, we are deciding the role of antibiotics in these diseases. होता क्या है कि जब हम patients में antibiotic use करते हैं और वो काम नहीं कर रही होती तो बीमारी बढ़ती है. So बीमारी अपनी complications भी लेके आती है. So that is why the antibiotic resistance is causing lot of problems in the kids or in the all patients. So antibiotic resistance होने के कारण हमारा antibiotic failure हो गया and हमने proper choose नहीं किया antibiotic, हमने cultures की report नहीं देखी और cultures की report के हिसाब से हमने antibiotic दिया नहीं, इसीलिए हमारा antibiotic failure हो गया. जब antibiotic failure हो गया तो उसके दो consequences होते हैं. एक, we are not able to control the disease, there are more of complications in the disease. Second is that the side effects of the antibiotics which are not indicated. So आगे आने वाले time में भी हमारी immunity down हो जाती है. तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ करें वो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें और प्रॉपर टेस्ट के बाद यूज़ करें और सही यूज़ करें और सही मात्रा में और सही ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें, तो ही हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को काउंटर कर सकते हैं.